झी 24 तास एक पाऊल पुढे। मुंबऱ्यामधील लोडशेडिंग विरोधात राष्ट्रवादीनं बुधवारी आंदोलन केलं। यावेळी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी आणि नागरिकांनी वीज वितरणच्या ऑफिसला घेराव घातला। यावेळी आंदोलनकर्ते राष्ट्रवादीच्या 5 नगरसेवकांना अटक करण्यात आली। लोडशेडिंगमुळे मुंबरा भागातील नागरिक प्रचंड त्रस्त आहेत। या भागात दिवसाला जवळपास 6.5 तास लोडशेडिंग होतं, त्यामुळे नागरिकांना पाणीही मिळत नाही, त्यामुळे नागरिक प्रचंड संतापले आहेत। के लाइट को चोरी करना चालू किया है और जिसका पूरी पूरी तोहमत जो है वो हमारी आम जनता के ऊपर डाली जा रही है, जिसकी वजह से हमें चोर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुंबरा कोसा के लोग पैसा नहीं भरते। मगर हकीकत बात ये नहीं है, हकीकत बात ये है कि यहाँ पर कुछ दलालों ने और एमएससीबी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मिल करके पूरे मुंबरा कोसा के अंदर एमएससीबी की चोरी करने का काम शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है 6:30 से 10:30 का। तो ये टाइम जो है ये खाना पकाने का, बच्चों की पढ़ाई का, ये सारे मामले जो है ये 4-6 घंटों के अंदर ही होते हैं। और अब जो है ये बहुत ही अफसोसनाक खबर जो हम तक पहुंची है कि उसी वक्त को इन्होंने लोड शेडिंग के लिए चुना, तो ये बात जो है ये गलत है कि लाइट जब नहीं रहेगी तो ये हमारा जो कॉरपोरेशन का पानी है वो 4 बजे से शुरू होता है, 5 बजे से शुरू होता है और 7 बजे तक, फिर 7 बजे से कहीं चालू होता है वो 9 बजे तक रहता है, तो कहीं 9 बजे से चालू होता है वो 10 बजे तक रहता है। तो ऐसे माहौल में तो महाराष्ट्र शासन ये ऐसी उम्मीद ना करे कि झगड़ा नहीं होगा, इसके लिए तो पूरी पब्लिक सड़क पे आ जाएगी। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।